ये यादगार लम्हा है पद्मश्री पुरस्कार से जुड़ा, जहां योग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले स्वामी शिवानंद को सम्मानित किया गया। शिवानंद योग 126 साल के स्वामी शिवानंद का कमाल, योग के लिए मिला पद्मश्री का सम्मान। स्वामी शिवानंद सिर्फ एक नाम नहीं है, एक उड़ान है। ये जिंदगी के इस पार से उस पार जाने की उड़ान है। 126 साल के स्वामी शिवानंद का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी का एक लंबा कालखंड समाया है। और जब स्वामी शिवानंद नंगे पांव पद्मश्री सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो पूरा राष्ट्रपति भवन उनके सम्मान में खड़ा हो गया। लेकिन माहौल उस वक्त भावुक हो गया जब स्वामी शिवानंद अवार्ड लेने से पहले पीएम मोदी को नमस्कार करने घुटनों के बल बैठ गए। शिवानंद के ये भाव देखकर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठकर स्वामी शिवानंद के सम्मान में झुक गए। इसके बाद स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी घुटनों पर बैठ गए, जिसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें झुककर उठाया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान हर शख्स की आंखें नम हो गईं, लेकिन स्वामी शिवानंद की आंखों में गजब की चमक थी। स्वामी शिवानंद का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 126 साल की उम्र में वो ना सिर्फ फिट हैं, बल्कि योग के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, और योग को लेकर उनके समर्पण को सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया है। काशी में रहने वाले स्वामी शिवानंद 30 से ज्यादा देश घूम चुके हैं और दुनिया में घटी हर घटना के वो जीते जागते गवाह हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जहां जिस देवभूमि में ये माना जाता था कि सरकार पलट जाती है रोटी पर तवे पर रोटी की तरह, वहां फिर से एक ही सरकार का रिपीट होना और अब एक सीएम का भी रिपीट होना, उस सीएम आवास में पहुंचना जिसे लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, वो सब दूर होती दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं आप, देवभूमि की पावर पॉलिटिक्स में एक बार फिर से जबरदस्त धमक के साथ धामी का राज तिलक हो रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन सी वो वजह थी जिसके चलते 11वें दिन धामी पर दोबारा विश्वास जताया गया और धामी के लिए हामी भरी गई। पहाड़ पर धामी की धमक, देवभूमि में पुष्कर रिटर्न्स। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। उत्तराखंड के उत्तराधिकारी पर्वत मैन बने धामी। मैं उत्तर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। हार कर भी जो जीत जाए उसे धामी कहते हैं, और ये बात पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दी है, क्योंकि 10 मार्च को भाजपा ने उत्तराखंड तो जीत लिया था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद एक संकट गहरा गया था कि धामी नहीं तो कौन। इसी एक सवाल का जवाब खोजने में भाजपा ने 11 दिन लगा दिए। दिल्ली से देहरादून तक नॉन स्टॉप बैठकों का दौर चला। कई बैठकों के बाद 21 मार्च को शाम 5:10 पर ऐलान हुआ कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के उत्तराधिकारी के लिए धामी से बेस्ट कोई दूसरा नहीं। जैसे ही धामी के नाम पर मुहर लगी, उत्तराखंड में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे मानो धामी के समर्थक सिर्फ ऐलान का ही इंतजार कर रहे हों। क्या सीएम हाउस, क्या पिथौरागढ़ और क्या खटीमा, हर जगह जश्न का दौर था और जुबां पर धामी का नाम। तो धामी ने भी आभार जताने में देर नहीं लगाई, ट्वीट कर पूरे उत्तराखंड को भरोसा दिला दिया कि जो विश्वास उन पर दिखाया गया वो टूटेगा नहीं। वहीं धामी को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। धामी भले ही उत्तराखंड की चुनावी जंग हार गए हों, लेकिन जो काम उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल में किया वो उनके लिए वरदान बन गया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि रही कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार कर दूसरी बार सत्ता न सिर्फ लौटी, बल्कि अपनी जीत से भाजपा ने सारे मिथक तोड़ दिए। ये इसी का नतीजा है कि जब शीर्ष नेतृत्व धामी की हार के बाद नया नाम खोजने निकला तो उसे धामी से बेहतर कोई नहीं मिला। मैं उत्तर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। भाई क्या कर रहे हो? मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा। और मिथक टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है।
जनता ने एक बार फिर मौका उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का दिया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन अपने इस कार्यकाल में करेंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि धामी को कमान तो मिल गई है लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।